आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टारडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हजारी प्रसाद दुबे जी का साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं, मतलब लेखक परिचय देखने वाले हैं। ओके, क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक परिचय। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। कोई दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ओके, भाषा शैली पूछे मतलब आप समझ जाइए आपसे क्या है, लेखक परिचय आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, और जब कवि परिचय आता है तो उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है कलापच, भावपच और कलापच। ओके, देख लेते हैं अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ओके, रचना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, प्रमुख रचनाएं कौन सी है, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख और कल्पलता। ओके, तो ये आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल। ओके, तो दो से तीन आपको तैयार अच्छे से कर लेना, वैसे आपको क्या है दो रचनाएं आपको लिखनी पड़ती है। ओके, तो भाषा शैली देख लेते हैं। ओके, तो भाषा देख लेते हैं, तो भाषा कौन कौन सी इनकी, मतलब भाषा कैसी है, कठिन है कि सरल है। ओके, उनकी भाषा में क्या है, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये आपको बताना पड़ता है। ओके, और मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग है कि नहीं किया गया, ये आपको भाषा में बताना पड़ता है। शैली में तो आपको फिक्स आपको बता देना पड़ता है कि वर्णात्मक, सूत्रात्मक, भावनात्मक, ये आपको लगभग सभी में लिख देना पड़ता है। ओके, तो ये आपका तरीका रहता है, कोई भी आपका लेखक परिचय मैं आपको सभी का बता रहा हूँ। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित व परिकृत है, उसी कारण आपकी भाषा को क्या है, प्रसन्न भाषा कहते हैं। ओके, इनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू व बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरे व कहावतों का सटीक प्रयोग हुआ है। ओके, ये आपका भाषा हो जाता है, बस दो से तीन लाइन में आपको बताना। ओके, शैली में आपको क्या लिखना है, तो द्विवेदी जी की शैली, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शैली में मुख्य रूप से वर्णात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, भावनात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का क्या है प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये आपका हो जाता है शैली वाला सेक्शन। ओके, और ज्यादा ही आपको लगता हो सर एक ही दो, एक से दो लाइन बस बता रहे हैं शैली में, एक से दो लाइन भावपक्ष में, तो आपको इतना ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या है पूरा तीन नंबर के लिए आता है। ओके, तीन नंबर किस लिए, एक नंबर दो आपको लक्षण लिख देते तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ओके, और एक नंबर आपका भाषा शैली का रहता है, एक नंबर आपका चेक रहता है। ओके, तीनों कंप्लीट लिख के आते हैं, तीन नंबर आपके पक्का हो जाता है। ओके, तो अब एक नंबर के लिए भाषा शैली में आपका है एक पेज तो लिखेंगे नहीं, इसलिए केवल आपको क्या है एक दो लाइन आपको भावपक्ष लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है, भाषा लिखनी है और एक दो लाइन आपको क्या है शैली लिखनी। ओके, ये आपका रहेगा। साहित्य में स्थान देख लेते हैं, तो साहित्य में स्थान में आपको लिखना है सब, कोई भी आपका लेखक हो या कोई भी कवि कवि परिचय है उनका हिंदी साहित्य में क्या है विशेष योगदान रहता है। ओके, तो सभी का आपको क्या है विशेष योगदान रखना है रहता है। ओके, और उनके साहित्य क्या है हिंदी साहित्य के अमूल धरोहर होती है, तो ये लाइन आपको क्या है सब में आपको लिख सकते हैं। ओके, बाकी इस प्रकार इसमें किस प्रकार से दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और विचारक रहे हैं। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है, आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ व्यवहारिक भी बनाया है, साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य में आपका हमेशा ऋणी रहेगा। ओके, ये फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, बाकी एक दो लाइन आप क्या फिक्स कर लीजिएगा कि साहित्य में स्थान में हमें ये लिखना है, भाषा शैली में हमें ये याद रखनी है, दो रचनाएं आप क्या है तैयार कर लीजिएगा, दो से तीन आपके प्रमुख जो आपके क्या है लेखक हैं। ओके, तो आपका लेखक परिचय तैयार हो जाएगा और तीन नंबर यहाँ से आप पक्के कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई डाउट हो ओके तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।